कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोगों ने बहुत बार मुझसे ये सवाल पूछा कि मैं ये सिक्किम घूमने गया था, इस पूरे टूर मतलब ये बाइक टूर की मेरी कॉस्टिंग कैसी रही, वहाँ पे पुलिस के क्या रूल्स हैं, आर्मी के क्या रूल्स हैं, पेट्रोल कितना लगा, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस। इस वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन मतलब कॉस्टिंग वाइज मैं कवर करने वाला हूँ। वीडियो शायद थोड़ी सी बड़ी हो सकती है मगर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आप अगर सिक्किम के टूर का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पूरे यूट्यूब पर इतनी डिटेल और इतने सच के साथ किसी ने वीडियो नहीं बनाई होगी। लेट ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी कॉस्टिंग को स्क्रीन पे दिखाता हूं और सारे पॉइंट्स डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ना, सबसे पहले आपको सिक्किम जाने के लिए कैपिटल का नाम है गैंगटॉक, आपको सिलीगुड़ी पहुंचने की जरूरत है। अब सिलीगुड़ी पहुंचने के काफी सारे रास्ते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से रूट से आ रहे हैं। आप फ्लाइट के थ्रू से आ सकते हैं, एयरपोर्ट का नाम है बागडोगरा। अगर आप ट्रेन के थ्रू से आ रहे हैं तो एनजीपी न्यू जलपाईगुड़ी, वो एक स्टेशन है, वहां पे आपको उतरना है। बस के रूट से आ रहे हैं तो बस डिपो पे आती है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर आप कहां से आ रहे हैं। हमने वंदे भारत ट्रेन ली थी क्योंकि वो ट्रेन नई थी, तो हमें लगा कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। करीबन 1580 रुपए हमने फेयर दिया था कोलकाता से लेके एनजीपी उतरने का, और करीबन 7-7.5 घंटे में हम लोग एनजीपी पहुंच गए थे। जैसे ही सिलीगुड़ी पहुंच जाते हैं ना, अब आपके पास तीन ऑप्शन है सिक्किम तक जाने के लिए, जिसका कैपिटल का नाम है गैंगटॉक। अब आप पहुंचेंगे कैसे? पहला, आप अपनी खुद की गाड़ी ले सकते हैं, मतलब वहां पे कार हायर कर सकते हैं। छोटी गाड़ी करीबन 3,500-4,500, कई बार 5,000 रुपये भी मांग लेती है। ये बार्गेन डिपेंड करता है कि आप कौन से सीज़न में जा रहे हैं। एक छोटा सा टिप आपके यहाँ पे शेयर करता हूँ कि आप जब भी गाड़ी बुक करें कोशिश कीजिएगा गाड़ी का नंबर प्लेट सिक्किम का हो। इसका मतलब ये है कि वो गाड़ी ऊपर से नीचे आएगी और रात को वो वापस जाएगी। तो कई बार ऐसे केसेस में क्या होता है कि कम रेट में गाड़ी आपको ले जाने को तैयार हो जाती है, तो ये चीज़ आप दिमाग में थोड़ा सा याद रखिएगा। आप पब्लिक बस के थ्रू से भी जा सकते हैं, वो आपको डिपो से मिल जाएगी। डिपो जाने के लिए आपको स्टेशन के बाहर से ऑटो ऑप्शन मिल जाते हैं। बस फेयर आई 160-170 रुपीस के आसपास का कुछ है, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूं बट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन आ जाता है जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है, स्टेशन के बाहर ही ना वो महिंद्रा के बड़े बड़े गाड़ी रहते हैं, वो 10 सीटर ट्रक्स वाले रहते हैं, हमने उसमें बैठ गए। वो टेंटेटिव 450-500 रुपये, कई बार 400 रुपये में भी तैयार हो जाता है, डिपेंड करता है कि उसकी गाड़ी कितनी जल्दी भर रही है, तो हमने 400 ही दिए थे। अब जैसे ही आप सिलीगुड़ी से निकल गए गैंगटॉक के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 4.5 से 5 घंटे के अंदर आप गैंगटॉक पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही आप गैंगटॉक पहुंच जाते हैं, थोड़ा सा एक कैच है, एक डिपो है जहां पे जाके ये सारी गाड़ियां पार्क्ड हो जाती है। ये गाड़ी सब ऊपर अलाउड नहीं है क्योंकि ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहां से फिर से आपको एक शेयर कैब लेना है, बाहर लाइन लगी रहती है, 25-30 रुपये मांगते हैं। वो मेन आपको गैंगटॉक के एमजी मार्ग तक पहुंचा देते हैं। आप जैसे ही एमजी मार्ग पहुंच जाते हैं, आपको होटल के वहां पे भरमार मिल जाएंगे, डिपेंड करता है आपका बजट क्या है, आप किस तरह से रहना चाहते हैं। बाइक टूर में हमारा पर्पस ही ये था कि हम कम बजट के अंदर नॉर्थ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम को कवर करें, तो हम कुछ सस्ता ऑप्शन ढूंढ रहे थे। पार्किंग के साथ, पार्किंग बहुत बड़ा इशू है, अभी आपको आगे बताता हूँ पार्किंग के साथ कैसे आपको डील करना है। तो हमने क्या किया ना, हमने जिनसे बाइक ली ना, हमने आलम भाई को डायरेक्ट फ़ोन कर लिया था कि वही कुछ सजेस्ट कर दे। तो उनका जो बाइक का सेंटर है जहाँ पे वो बाइक रखते हैं ना, वो टिबेट रोड है। टिबेट रोड एमजी रोड के पीछे वाला एरिया है, बहुत ही प्यारा एरिया है। तो हम लोग वहीं सीधा चले गए पैदल पैदल, 10-15 मिनट हम लोगों को जाने में लगे, थोड़ा सा चढ़ाई था बट इट वॉज रियली नाइस, वेदर बहुत अच्छा हो रहा था। पहुंचने के बाद वहां पे एक होटल हमें मिल गया जो 1,000 रुपये पर नाइट में रेडी हो गया, हमने उसे बुक कर लिया। होटल डिसेंट था, गर्म पानी आपको मिल जाएगा, खाना आप अगर चाहें बाहर से आके खा सकते हैं या फिर होटल में भी अगर ऑर्डर करेंगे तो आपको खाना मिल जाएगा। तो हमने 1,000 रुपये के हिसाब से उस दिन वो होटल को हमने बुक कर लिया। बुक करने के बाद आलम भाई को हमने सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बारे में पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए थे। इस बात का ध्यान रखिएगा, आप किसी से भी बाइक बुक करें उस एजेंट को अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से भेज दें, क्योंकि उनको ये प्रोसेस कराने में 1-2 दिन का वक्त लग जाता है। क्योंकि सिक्किम में ना, आप अगर नॉर्थ कवर कर रहे हैं, ईस्ट कवर कर रहे हैं, बॉर्डर एरिया होने की वजह से ना, मतलब वो थोड़ी सेंसिटिव जोन है, आर्मी के काफी सारे परमिशन की जरूरत होती है। तो इस तरह से आपको वहां से परमिट मिल जाती है। अगर परमिट के बारे में आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट बनी है, जाके एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब पहुंचने के बाद नेक्स्ट दिन सुबह हमें नॉर्थ सिक्किम के लिए निकलना था, इसी वजह से थोड़ी सी रूट प्लान की जरूरत थी। रूट प्लान कर लिया, याद से रस्सी खरीद लीजिएगा, अच्छी वाली ले लीजिएगा, शायद 100 रुपये पीस आपको लोकल मार्केट में मिलते हैं, जिसके थ्रू से आप अपना बैग अच्छी तरह से बांध सकते हैं। क्योंकि वो बैग अगर बार बार गिरता रहेगा, सही से बंधा हुआ नहीं रहेगा, तो आपको राइड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपको एक एक्स्ट्रा जैरिकन मतलब तेल भरने के लिए आपको सेंटर से ही मिल जाएगा, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, याद से रख लीजिएगा। क्योंकि आपकी जो बाइक की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी होती है, उसमें आप अगर फुल टैंक भी करा लेना तब भी आप नॉर्थ ईस्ट सिक्किम पूरा नहीं घूम सकते। आप ईस्ट तो छोड़ दीजिए, आप नॉर्थ ही पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। गुरुदंगमार जाते वक्त बाइक की एवरेज बहुत कम हो जाती है।
इस पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आप बाइक किसी से भी ले, जो बाइक का रेंट है ना, ये डिपेंड करता है अगेन सीजन के ऊपर। जिस तरह आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने 800 रुपए से 1800 रुपए लिख के रखा है। ये 800 का 700 भी हो सकता है, 1800 का 1600 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सीजन में जा रहे हैं। 800 रुपए में आपको कोई बाइक नहीं मिलेगी। 800 से 1000 वाला जो रेंज है ना, इसमें आपको स्कूटी मिल जाएगी, एनटॉर्क मिल जाएगी, या कोई भी आपको स्कूटी अवेलेबल है ये सब मिल जाएगी। स्कूटी की थोड़ी लिमिटेशन है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्कूटी ना लें, आप बाइक पे जाएं। बाइक 1200 रुपए से शुरू हो जाती है, चाहे इनफील्ड ले सकते हैं, हिमालयन ले सकते हैं, आपके पास एक्सपल्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। इन सब में हिमालयन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर। 1600-1800 रुपए के रेंज में आपको पर डे के हिसाब से बाइक मिल जाएगी विदाउट पेट्रोल। ये बात याद रखिएगा, फ्यूल की कॉस्टिंग एक्स्ट्रा है जो आपको खुद से भरानी है। सो मंगन पहुंच गए हैं, पेट्रोल पंप पीछे दिख रहा है आपको, यहां से हमें रिफ़िल करवाना है और 5 लीटर तक हमें जैरिकन में भी भर लेना है, क्योंकि इसके बाद कोई पंप नहीं मिलेगा। तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। और मंगन इज़ जस्ट अबाउट 1 किलोमीटर, वहाँ जाके थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद लाचेन की तरफ हम लोग निकल पड़ेंगे। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया, आप किसी से भी बाइक रेंट करते हैं ना, वो रिफंडेबल डिपॉजिट आपसे थोड़े पैसे मांगते हैं, वो 2000-3000-4000, ये डिपेंड करता है आपके बार्गेनिंग स्किल के ऊपर। थोड़ा सा बार्गेन कर लीजिएगा, मगर आपको थोड़ा पैसा उनको रिफंडेबल डिपॉजिट के हिसाब से देना पड़ेगा। ये पैसा वो इसीलिए रखते हैं कि अगर आपके हाथ से बाइक गिर गई, अगर एक्सीडेंट हो गया, अगर टूट गया, तो वो खर्चा वो वहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। बाइक पार्किंग के पॉइंट को कवर करता हूँ। यूजुअली पहाड़ में क्या होता है ना, कि आप अगर गाड़ी बाइक लेके जाते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट के चक्कर में ना, गाड़ी बाइक पॉइंट करने की एक पर्सनल जगह होती है, मतलब एक स्पेसिफिक जगह होती है। हम ना उस चक्कर में जाते नहीं तो पड़ना, तो इसीलिए हमने आलम भाई से पूछ लिया था कि हम ये बाइक को कहाँ रख सकते हैं। तो उन्होंने हमें ऑप्शन दे दिया था कि जहाँ से हमने बाइक ली है ना, मतलब उनके शॉप के बाहर ही जगह थी, हमने अपनी बाइक वहीं छोड़ दी। इन जनरल आप अगर किसी दूसरे वेंडर से बाइक ले रहे हैं, तो ये चीज़ याद से पूछ लीजिएगा कि बाइक रखने का क्या वो एक्स्ट्रा पैसे मांगता है कि नहीं, क्योंकि होटल वाले डिनाई कर जाएंगे, वो आपको बोल देंगे कि आप बाइक किसी दूसरे जगह रखिए, और दूसरे जगह रखने के 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये कुछ भी मांग सकता है। ये भी डिपेंड करता है सीजन के ऊपर। आप जानते ही हैं कि टूरिस्ट टाइम का सीजन होगा तो हर चीज़ वहाँ पे महंगी हो जाती है। तो बेहतर यही प्लान होगा कि आप जिससे बाइक ले रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होनी चाहिए कि रात को मैं बाइक आपके पास रख दूंगा पार्किंग में। तो बाइक की पार्किंग हो गई, सिक्किम पे घूमने की परमिशन हो गई, फ्यूल थोड़ा सा हमने प्लान कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन सारे हमारे जमा हो गए थे, अब हम फाइनली नॉर्थ सिक्किम की तरफ निकल पड़े। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट डाउन बिलो, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्थ सिक्किम में सबसे पहले हम लोग लाचेन पहुंच गए। लाचेन पहुंचने के बाद वहां पे आपको होटल और होम स्टे दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, मगर अगर आप इस तरह का होटल ढूंढ रहे हैं कि आपका रहना अलग और खाने का अलग, ऐसा मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। तो जो होटल वाले हैं ना, वो आपको ऐसा ही एक पैकेज डील ऑफर करते हैं कि आप हमारे साथ रह जाइए पर पर्सन के हिसाब से, कि पर पर्सन में खाना और रहना दोनों इंक्लूडेड होता है, और इसका प्राइस करीबन 1300 से लेके 1500 के अंदर आपको बहुत बढ़िया डील मिल जाएगा। इससे ज़्यादा कोई पैसा मांग रहा है तो बार्गेन कर लीजिएगा, 1500 के अंदर बहुत अच्छा डील मिल जाएगा। अगर बहुत पीक सीजन में चले जाते हैं तो बात और है। इन जनरल 1300 से 1500 रुपये इज़ अ गुड प्राइस। एक रात के लिए आपको रूम मिल जाएगा, आपको रात का डिनर मिलेगा, सुबह का ब्रेकफास्ट मिलेगा, और उसके बाद आपको चाय वाय जो चाहिए वो सब वो दे देते हैं। आप गुरुदंगवार की तरफ वहाँ से निकल पड़ेंगे सुबह की तरफ, ये बेसिक उनका प्लान होता है। अब गुरुदंगवार आपने घूम घूम लिया, एक बात आपको बता दूं, आप जब भी इन पार्ट्स को कवर कर रहे हैं ना, आपको काफ़ी जगह पे ना आर्मी के चेक पोस्ट मिलेंगे, और आपको हर चेक पोस्ट पे रुकना है, और आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन के जो जीरोक्स है ना, उसका एक बंडल बना के आपको पहले से ही बाइक का एजेंट आपको दे देगा। हर एक डॉक्यूमेंटेशन पे एक बार साइन करते हुए हर चेक पोस्ट पे वो डॉक्यूमेंटेशन फाड़ लेगा। आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत संभाल के रखनी है, क्योंकि आर्मी चेक पोस्ट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आपने थोड़ा सा भी इधर उधर किया ना, तो आपके वो उठक बैठक लगा देंगे वहाँ पे। तो एज अ सिटीजन हमें सपोर्ट करना बहुत बनता है। काफ़ी जगह पे लिखा रहता है कि आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, उन चीज़ों का याद से पालन कीजिएगा, चीज़ों को अगर तोड़ेंगे तो काफ़ी दिक्कत। अब लाचेन, गुरुदंगमार, ये सब घूमने के बाद जब हम वापस आ गए, उसके बाद हम लोग लाचुंग पहुंच गए। वो नॉर्थ सिक्किम का एक दूसरा साइड है, मतलब एक अलग वाला पहाड़ है, बहुत ही प्यारा है। युमथांग वैली हो गया, जीरो पॉइंट हो गया, आई बटन पे क्लिक करके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, मतलब जन्नत है, ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग देख के आया हूँ। वहाँ पे ना होटल कॉन्सेप्ट कम है, मतलब लाचुंग की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मैक्सिमम आपको जो मिलता है ना होम स्टे है मैक्सिमम, और होम स्टे आप ज़रूर रहिएगा। वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, चाहे वो नेपाली हो गए, टिबेटियन हो गए, बहुत अच्छे इंसान होते हैं, आपको बहुत प्यारा खाना खिलाते हैं। आपको रोटी के ऑप्शन वहाँ पे थोड़े से कम मिल जाते हैं, मैक्सिमम वो लोग चावल खाना पसंद करते हैं। अगर आप रोटी खाना पसंद करते हैं तो पहले से अगर उनको बता देंगे ना, तो उस तरह से वो प्रिपेयर कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि रिसोर्सेज वहाँ पे थोड़े से कम होते हैं, तो आप बहुत कुछ डिमांड करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा,
हाँ एक चीज़ आपको 24/7 मिल जाएगी, वो है 2 मिनट वाली मैगी, हर दुकान पे अवेलेबल है। आप जब भी मांगेंगे मैगी कोई ना कोई आपको ज़रूर दे देगा। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंटरनेट हो गया, इन चीज़ों का ना थोड़ा सा इशू रहता है, मतलब कई बार आपको मिलेगा कई बार नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ थोड़ा सा अंदर आप एक्सेप्टेंस ले ले तो बेहतर होगा। ठंड ऊपर बहुत होती है, रूम हीटर अगर आप मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लाचेन लाचून ये जो एरिया है ना यहाँ पे रूम हीटर बैन किया हुआ है। और हमारे होम स्टे में हमारी जो दीदी थी उसने हमसे शायद 1100-1100 रुपये को चार्ज किया था रहना खाना को लेकर, विच इज़ अ फैंटास्टिक डील। आपको मैक्सिमम जो वहाँ पे प्रॉपर्टी है ना वो 1000 से 1500 के अंदर ही मिल जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन वो जगह कहाँ पे है, वो रूम की कंडीशन कैसी है, रूम कितना बड़ा है, ये देखते हुए आप एक राइट प्राइस कोट कर दीजिएगा और आपको अपना वहाँ पे रूम मिल जाएगा। वीडियो के शुरू में एक पॉइंट मैं मिस कर गया था, वो ये था ये जो आप परमिशन निकालते हैं ना, मतलब आप जो सिक्किम की परमिट कराते हैं इसके भी थोड़े से चार्ज लगते हैं, और इस परमिशन के रेट पे भी थोड़ा सा बार्गेन होता है। एग्जैक्ट प्राइस किसी को नहीं पता है, ये लोकलाइज को ही पता होगा, आप चाहें तो लोकल से करवा भी सकते हैं मगर बहुत हेडेक का काम है। बेहतर ये होगा आप जिससे बाइक ले रहे हैं उसी के थ्रू से इस काम को करवा लें तो आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। नॉर्थ सिक्किम पूरा घूमने के बाद हम लोग फिर से गैंगटॉक वापस आ गए और एक दिन का ब्रेक ले लिया। वापस आने के बाद हम एक दूसरे होटल में रहे, ये होटल पहले होटल से ज्यादा बेहतर था, 200-300 रुपए हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा मगर होटल का रूम क्वालिटी बहुत अच्छा था, द लिटिल इनके नाम से, आपने अगर व्लॉग्स पहले देखे हैं तो पता होगा, नहीं है फिर से मैं अपनी वीडियोस प्रमोट कर रहा हूं, आई बटन पे क्लिक करके मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा होटल के रूम की क्वालिटी कैसी थी। और इस बार फिर से हमने ऐसा होटल लिया कि होटल के सामने ही हमें आलम भाई का ऑफिस मिल गया और वहां पे हमने पार्किंग पे अपनी बाइक दोबारा खड़ी कर दी, उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़े। 1 किलोमीटर बाकी है छंगू लेक पहुंचने वाले, अब चलते हैं हम ईस्ट सिक्किम की तरफ। छंगू लेक हो गया, नथुला हो गया, ये पॉइंट जब हम कवर कर रहे थे ना, ये कवर करते हुए भी परमिट्स की जरूरत पड़ती है, जो परमिट्स हमारे पास पहले से होती है, चेकिंग यहाँ पे भी होती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आसपास के बोर्ड्स को पढ़ते रहिएगा तो आपको पता चलते रहेगा कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। यहाँ पे स्टे की कोई बात नहीं आती क्योंकि ऊपर पे स्टे की कोई जगह है नहीं, या तो आप नथुला घूमने के बाद वापस गैंगटॉक आ जाते हो, जो हमने नहीं किया। हम लोग नथुला से जुलुक की तरफ निकल गए क्योंकि हमें वो मैगी वाला रोड जिसे कहते हैं ना वो देखना था, जुलुक में जो सिल्क रूट है बेसिकली वो देखने के लिए हम लोग जुलुक चले गए। जैसे ही आप जुलुक पहुंच जाते हैं जो ईस्टर्न साइड ऑफ द सिक्किम है ना, वहां पे ना होटल कम है, मैक्सिमम होम स्टे है क्योंकि वहां पे लोग मैक्सिमम होम स्टे कॉन्सेप्ट में ही जीते हैं। तो आप जैसे ही होम स्टे में जाते हैं डिपेंड करता है, वहां पे बजट थोड़ा सा महंगा है अगर मैं कंपेयर करूं गैंगटॉक के साथ या फिर लाचेन या लाचुंग के साथ, थोड़ा सा हमें वहां पे महंगा पड़ा, करीबन हमने 1600 रुपये वहां पे दिए थे। आपको 1500 से लेकर 1800-2000 मैक्सिमम बता रहा हूं, इस बीच में बहुत अच्छी डील आपको मिल जाएगी, आपको बहुत प्यारा रूम मिल जाएगा, व्यू मिल जाएगा, आपको रूम के अंदर अटैच बाथरूम और बाथरूम के अंदर आपको गीजर भी मिल जाएगा, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी और इस पैसों में खाना वहां पे इंक्लूडेड होता है। आप जिस भी होम स्टे में रह रहे हैं आप मांग लीजिएगा, आपको विस्की पीना है, रम, बियर, आपको सारे ऑप्शंस वहां पे मिल जाते हैं और रीजनेबल प्राइस में, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा चार्ज करते हैं, मतलब अफोर्डेबल रीजनेबल प्राइस में आपको सारे तरह के अल्कोहल वहां पे अवेलेबल हो जाते हैं। अप्रॉक्सीमेट सारी कॉस्टिंग आप स्क्रीन पे ऑलरेडी देख पा रहे हैं मगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी कवर किए हैं, वो याद से ध्यान रखिएगा कि आपको एक अच्छे क्वालिटी का रोप लेना है जिसके थ्रू से आप अपने बैग को बांध पाए, सारे डॉक्यूमेंटेशन की आपकी जेरोक्स सही से आपके पास होने चाहिए क्योंकि चेकिंग बहुत तगड़ी है वहां पे। आप याद से एक्स्ट्रा फ्यूल साथ में रखिएगा क्योंकि कहीं पे भी अगर आपके बाइक ने एवरेज कम दी या आपके चलाने की गलती की वजह से एवरेज आपको कम मिली तो वो एक्स्ट्रा फ्यूल ही है जो आपको बचाएगा, वरना वो पहाड़ी में ना ऊपर नीचे में आपको बाइक धक्का देना पड़ेगा क्योंकि सारी गाड़ियां वहां पे जो चलती है ना वो डीजल पे चलती है तो आपको पेट्रोल से कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर आप होटल बुक करना चाहते हैं, बाइक बुक करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन पर ऑलरेडी डाल दी है। ये वीडियो कम्प्लीटली नॉन स्पॉन्सर्ड है, आप आराम से जाके वहाँ पे बुक कर सकते हैं, उनको फ़ोन करके थोड़ा सा अपने हिसाब से आप बार्गेन कर लीजिएगा। जैसे कि आप जानती हैं पहाड़ों में ये रेट ऊपर नीचे चलते रहते हैं सीजन ऑफ सीजन की वजह से। वीडियो पे बने रहिएगा, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि हमारी कितनी कॉस्टिंग लगी, टोटल कितना पेट्रोल लगा, टोटल स्टे में कितना लगा, सारी डिटेल्स अभी आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करता हूँ 2 मिनट में। आई होप आप लोगों के सारे डाउट इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिए, उसके बाद भी आपके पास कोई अगर सवाल है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उससे पूछ सकते हैं, आई प्रॉमिस यू मैं उसका आंसर आपको दूंगा। आप चाहें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी आके बात कर सकते हैं, मेरी आईडी है @IAMKosti, स्क्रीन पे ऑलरेडी चल रही होगी, आप देख के मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि जो ट्रैवल सीरीज मैं दिखाता हूं, जो असलियत मैं आपको दिखाता हूं, जहां जहां मैं घूमने जाता हूं, मेरा लाइफस्टाइल के साथ आप अगर कनेक्ट कर पाते हैं तो मेरे चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, फ्री टीवी कॉस्टी, कॉस्टी मेरा नाम है। अब स्क्रीन पे आपको हमारी कॉस्टिंग दिख रही है, हम दो लोग टोटल नॉर्थ और ईस्ट सिक्किम पूरा कवर किए थे बाइक के थ्रू से और ये हमारा खर्चा आया।
ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए है जो सिक्किम में घूमना चाहते हैं और प्लान कर रहे हैं कि बाइक लेके वो किस तरह कवर कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बनाया है। आप अगर फैमिली के साथ भी सिक्किम जाना चाहते हैं तो इक्वली आप इंजॉय कर सकते हैं। गाड़ी रेंट करके नॉर्मल शेड्यूल पे आपको हर जगह के लिए गाड़ी रेंटल मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही प्यारी जगह है। आप अगर इंडिया से हैं, इंडिया के बाहर ये वीडियो कहीं पर देख रहे हैं, अगर आप इंडिया कभी आते हैं तो सिक्किम एक बार ज़रूर जाएँ। और अगर आप इंडिया में रहते हैं और अभी तक सिक्किम अगर नहीं गए तो ज़रूर एक बार सिक्किम जाने का प्लान करें। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। फोटो खींचना बना था, इसी वजह से फोटो वीडियो कुछ भी नहीं खींच पाया।